ग्वालियर केंद्रीय जेल में डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया, जहां शिवाजी विश्वविद्यालय ने स्टडी सेंटर शुरू किया है। जेल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने स्टडी सेंटर का शुभारंभ किया। शिवाजी विश्वविद्यालय जेल में बंद कैदियों को 6 सर्टिफिकेट कोर्स कराएंगे और पहले दिन 62 कैदियों ने सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लिया, जिनमें सबसे ज़्यादा रुचि कॉस्मेटिक और फलित ज्योतिष कोर्स में देखने को मिली। खास बात यह है कि ग्वालियर केंद्रीय जेल में 3,500 से ज़्यादा कैदी बंद हैं और अब शिक्षा हासिल कर बंदी सजा पूरी कर बंधु बनकर समाज के बीच जाएंगे और नई दुनिया शुरू कर सकेंगे। ने बात की है कि ग्वालियर चंबल संभाग के जो अन्य 7 जिले हैं वहाँ भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम शुरू कर सकें, तो निश्चित रूप से ये जो बंदी से बंधु का जो कार्यक्रम है वो हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में चल सके और जो वहाँ पर कैदी हैं वो शिक्षा से जुड़ सके और भविष्य में वो कुछ बेहतर जीवन यापन के लिए एक अपनी एजुकेशन पर विद्या की तरफ जाएंगे तो बहुत जल्दी सुधार। 62 इसमें एक तो कॉस्मेटिक्स का है थोड़ा सा और एक कोर्स और फलित ज्योतिष का है, उसमें ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में और रुचि है और आप सब से अपने बंधु भाइयों को और ज़्यादा जो है कौशल में वृद्धि होगी। धन्यवाद।